क्या आप जानते हो लीवर हमारा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। कई लोग इसको जिगर या कलेजा भी कहते हैं। कैसे जाने लीवर खराब हो रहा है? क्या लीवर कोई इसका लक्षण या संकेत देता है? नमस्कार, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और नेचुरोपैथ। आज बताएंगे लीवर खराब होने का लक्षण या लीवर खराब होने का संकेत। इसीलिए इस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लीवर हमारा शरीर का अंदर रहते हुए एक साथ कई काम करता है। इसका प्रमुख काम खाने पीने का, जो भी हम खाते हैं इसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देता है। इसके अलावा एक खून से हानिकारक और विषैल पदार्थ को भी नष्ट करके उसको साफ कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानना चाहोगे जे लीवर खराब होने का क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है जे शराब पीना, अत्यधिक शराब सेवन करना। आप बाजार का खाना खाना या ज्यादा तेज मसालेदार खाना खाना है। कभी कभी सिरोसिस और हेपेटाइटिस का कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप वीडियो देख सकेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब किए हो, थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी हम जान लेते हैं लीवर खराब होने का क्या लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है पेट में दर्द होना। अचानक आपका पेट में दर्द होगा तो आपको इस पे डाउट हो जाना चाहिए, पेट भारी भारी लगेगा। और दूसरा कारण है आपको पीला पेशाब आना। अगर आपका गहरा पीला रंग का पेशाब आता है या बूंद बूंद करके आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और नंबर थ्री होता है उल्टी होना। आपने खाना पीना खाए हो फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको उल्टी होने का मन कर रहा है, पेट भारी भारी सा लग रहा है। चौथा है बेचैनी लगना, आपको बहुत उलझन पैदा होगा। इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लैट्रिन भी साफ नहीं होना, लीवर में हमेशा आपको ऐसा लगेगा जो बड़ा बड़ा भारीपन सा लग रहा है। अगर आप जब जानना चाहते हो ये लीवर को साफ कैसे करें, इसको साफ करने का तरीका लिए हमारा और एक वीडियो है जिसमें 7 तरीका दिया गया है लीवर कैसे साफ करें, लीवर साफ करने का 7 वे। अगर आप खाना पीना खा रहे हो फिर भी आपका वजन कम हो रहा है तो आपको डाउट होना चाहिए, हो सकता है आपका लीवर प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसका जो भी संबंधी टेस्ट है आप जरूर करवा लीजिए। कभी कभी होता है पीलिया का शिकायत भी आ जाता है। आपका हाथ पैर में खास करके नाखून में पीलापन आ जाता है, आंखों का इधर भी पीलापन आ जाता है, पेशाब भी पीलापन आ जाता है, तो पीलिया का लक्षण हो सकता है। आप जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और लीवर का जो भी टेस्ट है आप करवा लीजिए। ये सब लक्षण पहले से दिखाई देते हैं, आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी खुजली हो जाता है शरीर में, अचानक आपने कुछ खाया या नहीं खाया फिर भी खुजली हो जाता है, तो आप डॉक्टर को बस जाना चाहिए। ये भी एक लक्षण होता है लीवर खराब होने का। कभी कभी आपको अत्यधिक थकान या कमजोरी महसूस होता है। आप खा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको लगता है जी भाई शरीर में कमजोरी आ रहा है, तो उस केस में भी आप डॉक्टर के पास जाए, जरूरत पड़े तो लीवर टेस्ट करवाएं। और एक लक्षण दिखाई देता है जे हाथ पैर में फूल जाना, एडिमा जिसको कहते हैं। आप देखोगे इस केस में भी लीवर का खराब होने का संकेत नजर आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाए और सारे बात बताएं। तो ये सब चीज जो लक्षण हमने आपको बताया, आप प्लीज इसको ध्यान रखें, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छा लगा होगा। हमारा और एक मेडिसिन रिलेटेड चैनल है, नाम है फार्मासिस्ट कुंडू जी, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रहा हूँ। आप चैनल में जाए और वीडियो देखे और लेटेस्ट मेडिसिनल जानकारी ले। हेल्दी माइसेल्फ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके बताएं। अगर आप विटामिन बी12 का डिफिशियंसी से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज ये वाला वीडियो। धन्यवाद।